कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हमारा जो विषय है वो अलग अलग आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन सिजोफ्रेनिया में हम लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और सिजोफ्रेनिया के पेशेंट। तो सबसे पहले सिजोफ्रेनिया जो है ये हमारे चरक संहिता में लिखा है सिजोफ्रेनिया के बारे में, जो उन्माद चिकित्सा बताया है उसमें बहुत अच्छे से बताया है। और सिजोफ्रेनिया में जो भी मॉडर्न साइकेट्रिक बुक्स बताती हैं कि इसमें इंसान का जो धैर्य होता है, फिर मन होता है, बुद्धि होता है, सब विकृत हो जाता है और उन्माद की अवस्था आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि विजुअल हेलुसिनेशन होता है, जो चीज़ नहीं है वह चीज़ दिखाई देता है, जो चीज़ नहीं है वह सुनाई देता है। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है, उसको सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। आयुर्वेद में भी उसको उन्माद बोलते हैं, और निज दोषों से उत्पन्न उन्माद, और मतलब निज दोषों से वातज, पित्तज, कफज और संनिपातज उन्माद बोलते हैं। और एक होता है आगंतुज उन्माद। आगंतुज उन्माद में अलग अलग आगंतुज ग्रह होते हैं, उनका आवेश हो जाता है तो शरीर में, फिर ऋषि ग्रह, देव ग्रह, पितृ ग्रह, राक्षस ग्रह, पिशाच ग्रह, प्रेत ग्रह, ये सब अलग अलग जो रहते हैं उनका जब आक्रांत हो जाता है शरीर में, मन पे, तो फिर उसकी वजह से अलग अलग वो वृत्तियां करने लगता है इंसान। तो हम लोग इसी पर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि एलोपैथी में सिजोफ्रेनिया के पेशेंट परमानेंट ठीक नहीं होते हैं। वो लोग ना सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देते हैं सिजोफ्रेनिया पे, कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो क्रोध को शांत करने वाली दवाइयाँ देंगे। एंग्जाइटी हो रही है तो एंग्जाइटी को कम करने वाली दवाइयाँ देंगे। ट्रैंकुलाइजर, एंटी डिप्रेजेंट, और फिर अब बहुत ज़्यादा हो रहा है तो शॉक ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन सिजोफ्रेनिया के पेशेंट परमानेंट ठीक होके और वो क्योर हो गए ऐसा नहीं होता है, उनकी लॉन्ग हिस्ट्री होती है और उनका जो रहता है ऐसा हेतु निकालते हैं। तो वो लोग ना अवर सत्व के रहते हैं या मध्यम सत्व के पेशेंट रहते हैं, उनके माइंड पे कुछ ना कुछ अफेक्ट हुआ रहता है, कुछ ऐसे ट्रेजिडी हुई रहती है जिससे वो कोप अप नहीं कर सकते, उससे वो निकल नहीं पाते हैं और इसकी वजह से सिजोफ्रेनिया में रहते हैं। सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट रहते हैं ना, उनमें हमने ऐसा पाया है, क्योंकि मेरा MD और PhD इसी सब्जेक्ट पे हुआ है, तो मैंने इसे देखा है कि वो अलग ही कुछ दुनिया में रहते हैं। वो इस दुनिया में रहते ही नहीं है, वो शरीर उनका इस दुनिया में, लेकिन मन उनका कुछ अलग ही दुनिया में रहता है। तो हम आयुर्वेद में हम लोग किस तरह से देखते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आयुर्वेद में हम लोग सबसे पहले तो ये मानते हैं कि रज और तम जो है यह मन के दोष होते हैं, इसको हम लोग मानते हैं। तो रज गुण ज्यादा बढ़ जाता है और तम गुण ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ये मतलब उन्माद अवस्था आ जाती है। उसी तरह से रज गुण बढ़ता है तो इसमें वायु का प्रकोप होता है। तो जब रज गुण बढ़ा है और वायु का प्रकोप है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होता है। अगर रज गुण बढ़ा है और पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा क्रोध आता है। तो क्रोध वाला जो उन्माद होगा वह पित्तज उन्माद की तरफ जाएगा। अगर एंग्जाइटी वाला जाएगा तो व्याकुलता बहुत ज्यादा बढ़ेगी और वह वातज उन्माद में जाएगा। रज दोष मतलब मानसिक दोष जो है रजो दोष, और दूसरा है कि वात दोष, ये दोनों प्रकोपित होकर एंग्जाइटी होता है, व्याकुलता होता है, बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, और उसमें पेशेंट जो रहते हैं अलग अलग बर्ताव करता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वह होता है वातज उन्माद। पित्तज उन्माद में क्रोध होता है, रजोगुण और क्रोध ये बहुत ज्यादा बढ़ता है, पित्त दोष की वृद्धि होती है, तो क्रोध होता है, क्रोधात पित्तम ऐसा जब बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वायलेंट बिहेवियर हो जाता है पेशेंट का, तो वो पित्तज उन्माद होता है। और जब कफ दोष बढ़ा हुआ रहता है और तम दोष बढ़ा है, मन का तमोगुण और शरीर का कफ दोष बढ़ा है, तो उसमें कफज उन्माद होता है, तो पेशेंट ना ज्यादा बातचीत नहीं करता है, एकटक बैठे रहते हैं, सोचते रहता है, उसकी एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाती है, मुंह से ला रहता है, श्वास कष्ट हो जाता है और कफ के सारे सिम्टम्स आ जाते हैं उसके में, और वो मंद मंद होता है और उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है और अनहाइजीनिक रहता है, उसको साफ सफाई से मन नहीं रहता है, फिर ओरिएंटेटेड नहीं रहता है, वो इस दुनिया में है कि नहीं, टाइम प्लेस उसको पता नहीं रहता है, वो अलग ही दुनिया में रहता है। तो और उसको कभी कभी पेशेंट लोग रहते हैं वो ऐसे बताते हैं कि कभी कभी कीड़े चढ़ रहे हैं हमारे शरीर पे, हमको किसी ने कुछ बोल दिया, उनको कुछ चीज दिखाई देते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं, तो ऐसे ना सिजोफ्रेनिया के पेशेंट आते हैं। तो हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। यह एक तरह से पागलपन है, पागलपन जो पागल हो चुके हैं, लेकिन आयुर्वेद में हम लोग चिकित्सा करते हैं तो पेशेंट बहुत काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। तो हमारे पास पेशेंट और ये हजारों करोड़ों साल पहले अपने चरक संहिता में लिखा है कि सिजोफ्रेनिया उन्माद के पेशेंट ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसकी चिकित्सा किस तरह से करनी चाहिए वह मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सिजोफ्रेनिया के बारे में, उन्माद के पेशेंट के बारे में क्या बताया अपने चरक चिकित्सा स्थान 9वां चैप्टर में, 4th और 5th नंबर के श्लोक में क्या बताया, अभी मैं संस्कृत में नहीं बताऊंगा, मैं हिंदी में ही पढ़ के आप लोगों को उसका अर्थ बताऊंगा। तो इसमें बोल रहे हैं बुद्धि विभ्रम हो जाता है, धी विभ्रमा, मन जो है वह उस जगह पे नहीं रहता है, विभ्रमित रहता है, क्या करना है क्या नहीं, ऐसे कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, और इसके आगे की स्थिति रहती है तो डिलूरियम,
ऐसे हो जाता है कि उसको समझ नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं होता है। मन चंचल होता है, मन बहुत ज्यादा व्याकुल होता है, घबराहट बहुत ज्यादा होती है, दृष्टि भी व्याकुल होती है, उसकी आंख की जो ये पुतलियां है ना ये स्टेबल नहीं रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। उसी तरह से अधीरता होना, पेशेंस नहीं होता है उसको, अधैर्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर उसको डर लगता है बिना किसी कारण के, बहुत ज्यादा डर लगता है, फिर उसका धीर। और काम शोक भया दवायु, जब बोलते हैं काम से शोक से और भय से वायु का प्रकोप होता है, तो यही सिम्टम्स उसको दिखते हैं, उसको भय लगता है बहुत ज्यादा, घबराहट होती है, उसको ऐसा लगता है कि कोई तो उसको पकड़ लेगा। उसी तरह से वह इररिलेवेंट टॉकिंग करता है, प्रलाप ये कंडीशन होती है, ये भी वायु के प्रकोप से हो जाता है। हृदय शून्यता, मतलब हृदय में लगता है कि कुछ भी नहीं है, उसको पूरा जिंदगी निरर्थक लगता है। उसी तरह से उसको सुख दुख का भान नहीं रहता, अगर वो मतलब उसको किसी ने चोट भी पहुंचाई तो उसको कुछ नहीं पता चलता है, उसको न सुख पता चलता है न दुख पता चलता है। ये ऐसा समाधि अवस्था नहीं है, समाधि अवस्था में सुख दुख का भान नहीं रहता है, लेकिन उस टाइम पे अगर इंसान सोचे तो उसको समझ आ सकता है, आत्मिक लेवल पे नहीं समझ आएगा समाधि अवस्था में, जब ये होता है ध्यान धारण समाधि, तो उसमें वह मुक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इंसान जो है इसको सुख दुख में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि ये अच्छा है, मतलब जो बोलते हैं अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, तो अनुकूल वेदना क्या है प्रतिकूल वेदना है, उसको कुछ समझ नहीं आता है, उसका माइंड ही नहीं वहां पे कनेक्ट होता है। और हम लोग जब बोलते हैं कि आत्मा से मन, मन से इंद्रिय, इंद्रिय से विषय, जब ये सन्निकृष्ट होते हैं तब ज्ञान प्राप्त होती है, हम लोगों ने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा है, तो इसको जो ज्ञान और अज्ञान ये कुछ समझ ही नहीं आता है, उसको हर चीज ऐसे वो नॉर्मल रहता है, मन ही डिस्टर्ब रहता है। इसी तरह से उसको विस्मरण होता है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, और चित्त जो होता है वो एकदम बेचैन रहता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। उसका चेंज इन बिहेवियर, मतलब अचानक ही बिहेवियर चेंज हो जाता है, और उसको क्या करना है क्या नहीं करना है उसको कुछ समझ नहीं आता है, उसको जो चीज़ नहीं करना है वो भी देखा जाता है कि वो कर रहा है, जैसे कि वो ब्रश नहीं करना चाहता है, नहाना नहीं चाहता है, उसको कर्तव्यता का ज्ञान ही नहीं रहता है। और रोगी जो आते हैं उनको शक भी होता है कि ये मुझे मार देगा, क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं ना, वो हर समय ऐसे बोलते थे, एक तो सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, और उनको अपने घर वालों से ही बहुत ज़्यादा ऐसा टेंशन आता है कि ये मेरा मर्डर कर देगा, मेरी माँ मुझे मार देगी, मेरी वाइफ मुझे मार देगी, ऐसा उनको ना ऐसा फीलिंग होने लगता है। तो हम लोग ना सिजोफ्रेनिया को हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग ना इसको वातज पित्तज कफज उन्माद में देखते हैं। वातज वाला जो रहता है ना वह अकारण हंसता है, अकारण गाता है, अकारण ही उसकी चेष्टाएं होती है, और वह बड़बड़ाता भी है, हाथ पैर को पटकता रहता है, कभी रोने लगता है कभी हंसने लगता है, उसकी विषम क्रियाएं रहती हैं बहुत सारा। फिर वह कोई भी अलंकार को धारण कर लेगा, कोई भी चीजें खाएगा, उसको कुछ समझ नहीं आता है, उसका शरीर रुक्ष रहेगा, अरुण वर्ण का हो जाएगा, कोई भी खाते खाते फेंक देगा, चिल्लाने लगेगा बहुत ज्यादा, और मत्सरी होगा, कठोर होगा, और बहुत ज्यादा क्रुएल्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये वातज उन्माद के पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स आते हैं। उसी तरह से पित्तज उन्माद में क्रोध आता है, बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो वह असहिष्णु बनता है, उसको बिना किस कारण से भी क्रोध आता है, और वह कभी कभी कपड़ा उतार के नंगा होकर घूमने लगता है। पित्तज उन्माद में धमकी देता है, वायलेंट बिहेवियर होता है, मारने लगता है या धमकाने लगता है बहुत ज्यादा, और उसको शरीर गर्म रहता है बहुत ज्यादा, और उसको ठंडे पदार्थ की इच्छा रहती है, और उसके बाद में त्वचा जो है पीले रंग का हो जाता है, उसको बॉडी में बहुत ज्यादा हीट बन जाता है, निद्रा नाश होता है, तमा प्रवेश, आंखों के अंधेरा भी छा जाता है, ऐसे भी सिम्टम्स पित्तज उन्माद में पाए जाते हैं। कफज उन्माद अगर देखेंगे तो उसको ना बहुत ज्यादा हलचल मंद हो जाती है, उसको भूख कम लगती है, एकांत में स्त्रियों के साथ वो बैठ के रहना चाहता है, और निद्रा दिख के रहता है, उसको लाला स्राव बहुत ज्यादा होता है, उसको छर्दी भी होती है, उल्टी भी आती है, जी मिचलाता रहता है, और उसको स्वच्छता अच्छा नहीं लगता है, क्लीनलीनेस नहीं रहना है, नाखून बड़े हुए रहते हैं, नाक से पूरा मल निकल रहा है, कान से निकल रहा है, साफ सफाई इसको पसंद नहीं होती, ये कफज उन्माद के रहते हैं। इसमें डिप्रेशन, डिप्रेसिव डिसऑर्डर की वजह से ये सिजोफ्रेनिया में चला जाता है पेशेंट। इसी तरह से इसका नाखून, नख नयन वदन मूत्र पुरुष जो है ये सब सफेद रंग का हो जाता है, और ये खाना खाने के बाद तुरंत ही मधुरावस्था पाक होते हैं, तब ये वेग ज्यादा बढ़ जाता है। पित्तज उन्माद में देखेंगे तो जब अम्ल अवस्था पाक होता है, खाना खाने के मध्य में उसको, मतलब खाना पचने के मध्य में अम्ल अवस्था पाक का जो टाइम रहता है उसमें वेग बढ़ता है, और वातज उन्माद जो रहता है खाना पचने के बाद जो वात का कटु अवस्था पाक रहता है वह रहता है। और टाइम के हिसाब से देखेंगे तो जो सुबह का 6 से 10 है या शाम का 6 से 10 है, वात के काल में वातज उन्माद ज्यादा बढ़ता है, पित्त के काल में पित्तज उन्माद बढ़ता है, रात को जैसे कि 10 से 2 के बीच में, या दिन में 10 से 2 के बीच में, या फिर कफ का काल जो है
मेरा मेरा थोड़ा बोलने से गड़बड़ है, 6 से 10 होता है वो कफ का काल होता है, तो 6 से 10 जो कफ का काल है, सुबह का 6 से 10 और शाम का 6 से 10, उस टाइम पे कफज उन्माद रहता है। शाम का जो 6 से 10 का टाइम रहता है, शाम का 6 से 10 जो, नहीं सॉरी, 6 से, एक मिनट में थोड़ा सा गड़बड़ा रहा हूँ, 2 से 4, 2 से 6 का टाइम जो रहता है, सुबह का जो रात का टाइम रहता है 2 से 6 बजे का, और शाम का भी 2 से 6 बजे का, वो वातज उन्माद का रहता है, वात का काल रहता है। उस टाइम पे वेग वातज उन्माद का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सन्निपातज में तो तीनों दोषों के सारे सिम्टम्स होते हैं। उसी तरह से विषज उन्माद भी एक जगह बताया है माधव निदान में, कि विष का सेवन करने से उन्माद आता है बहुत ज्यादा। आगंतुक उन्माद में आप लोगों को मालूम है कि दुष्ट ग्रह मनुष्य में जब प्रवेशित कर जाते हैं, तब उसकी वजह से ये अलग अलग तरह के उन्माद के, जैसे देवग्रह पीड़ित उन्माद रहता है, दानव पीड़ित उन्माद रहता है, गंधर्व पीड़ित उन्माद, यह आयुर्वेद ही मानता है, यक्षगंध पीड़ित उन्माद रहता है, पितृग्रह पीड़ित उन्माद रहता है, सर्प ग्रह पीड़ित उन्माद रहता है, राक्षस ग्रह पीड़ित उन्माद रहता है, पिशाच ग्रह पीड़ित उन्माद रहता है, ये सब आप लोग को मालूम है। जब हम लोग चिकित्सा करते हैं तो हम लोग को चिकित्सा में क्या करना चाहिए, तो कुछ कुछ आयुर्वेद की वनस्पति है, आज का टॉपिक भी यही है कि डिफरेंट डिफरेंट आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन मैनेजमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो एक तो शमन चिकित्सा से हम लोग जिनको चिकित्सा दे सकते हैं उनको शमन देना चाहिए, अगर बहुत दोष अवस्था रहती है तो आवरण जन्य संप्राप्ति को भंग करने के लिए, स्रोतोरोध को दूर करने के लिए, संज्ञावाय स्रोतों को शुद्ध करने के लिए हमें वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण करना ही पड़ता है। तो शमन चिकित्सा में हम लोग सर्पगंधा का प्रयोग करते हैं, जटामांसी का प्रयोग करते हैं, अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं, ब्राह्मी का प्रयोग करते हैं, पारसिक यवानी जो है, अजवाइन है, पारसिक अजवाइन, वह उसका प्रयोग करते हैं जो पारस से आता है, फिर रौप्य भस्म का प्रयोग करते हैं, स्वर्ण भस्म का प्रयोग करते हैं, पुराना वाला घी का प्रयोग करते हैं हम लोग। उसी तरह से क्योंकि पुराना घृत जो है वो मन के लिए अच्छा रहता है, अत्यंत शीतल रहता है और उन्माद के लिए बहुत अच्छा रहता है, मेध्य रहता है, मृदु विरेचक भी रहता है। उसी तरह से हम लोग हिंगवादी घृत का प्रयोग करते हैं, फिर कल्याणक घृत का प्रयोग करते हैं, महाकल्याणक घृत का प्रयोग करते हैं, जीवनीय घृत का प्रयोग करते हैं, महापैशाचिक घृत का प्रयोग करते हैं, लहसुन, यहाँ पे घृत कल्पना का बहुत ज्यादा महत्व है, जितना घृत देते हैं उतना मेधावर्धक भी रहता है और वह संप्राप्ति को भंग करने में आसान कर देता है। लहसुन आदि घृत का प्रयोग करते हैं, महापंचगव्य घृत का प्रयोग करते हैं, ब्राह्मी घृत का प्रयोग करते हैं, जटामांसी घृत का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हम लोग कफज उन्माद अगर देखें तो उन्माद गज केसरी भूत भैरव रस का प्रयोग करते हैं, वातज उन्माद में ब्राह्मी प्राश का प्रयोग करते हैं, सर्पगंधा चूर्ण का प्रयोग करते हैं, समीर पन्नग रस, महावात विध्वंसक रस का प्रयोग वातज उन्माद में करते हैं, पित्तज उन्माद में हम लोग सुशेखर रस, क्योंकि वो माइंड को शांत करता है। आपके पास अगर सिजोफ्रेनिया के भी पेशेंट है, बहुत बेचैनी है, क्रोध बहुत ज्यादा आ रहे, तो सुशेखर रस का प्रयोग करिए, तो सुशेखर रस का प्रयोग करते हैं, सर्पगंधा का मिश्रण का प्रयोग करते हैं, ब्राह्मी रस का प्रयोग करते हैं, ब्राह्मी प्राश का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हम लोग ना और भी बहुत सारे द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मानस मित्र गुटिका का प्रयोग करते हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से महाकल्याण ग्रह, ब्राह्मी वटी, ब्राह्मी प्राश, फिर स्मृति सागर रस, इन सब का प्रयोग करते हैं ना, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। सारे मेध्य द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए तो सिजोफ्रेनिया का, और फिर उसके बाद में अगर शोधन की जरूरत है तो तीक्ष्ण विरेचन वाले, शिरो विरेचन वाले द्रव्य, जैसे जैसे कि ज्योतिषमती तेल, षडबिंदु तेल, अणु तेल, वचा तेल, इन सब का शोधन कराना चाहिए, तो शोधन से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर पित्त जुन्माद है तो विरेचन देना चाहिए, अगर कफ जुन्माद है तो वमन देना चाहिए, वात जुन्माद है तो बस्ती देना चाहिए। अब बस्ती में हम लोग जटामांसी तेल का बस्ती दे सकते हैं, फिर इसमें और स्वर्ण सारस्वत ऋष का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। अकीक भस्म का प्रयोग करते हैं, वो माइंड को बहुत ज्यादा शांत करता है, माइंड को स्टेबल करना, जैसे कि हम लोग दोषों को साम्यावस्था में लाते हैं, उसी तरह से मन को भी स्टेबल अवस्था, साम्यावस्था में लाना, ये बहुत जरूरी होता है। तो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में काफी हद तक आयुर्वेद बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। इसी तरह से वचा का प्रयोग करना है, हींग का प्रयोग करना है, लहसुन का प्रयोग करना है, जटामांसी का प्रयोग करना है, अश्वगंधा का प्रयोग करना है, आंवला का प्रयोग करना है, त्रिफला का प्रयोग करना है, जो भी मेध्य दवाएं हैं ना, ब्राह्मी, फिर शंख पुष्पी, इसका प्रयोग करना है, तगर का प्रयोग करना है, जटामांसी, ये सब का प्रयोग करने से ना बहुत ही अच्छा माइंड पे ये सूदिंग इफेक्ट आता है, दोष रज और तम बैलेंस हो जाते हैं, सत्वगुण की उत्पत्ति होती है, और सत्वगुण जब मन पे होता है, सत्वम लघु प्रकाशम, लघुता आ जाती है, स्ट्रेस कम हो जाता है। तो हमें इस तरह से सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को मैनेज करना चाहिए। अभी मैं कल और भी दूसरे टॉपिक पे आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पे कुछ फेसबुक पे प्रॉब्लम है कि मैं आज आप लोग के जो ये है प्रश्न उत्तर है उसका मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, यू कांट यूज दिस फीचर एज दिस मोमेंट, तो इसलिए मुझे क्षमा करिए, मुझे अभी का लेक्चर समाप्त करना पड़ेगा।
यहाँ पे कुछ तो फेसबुक में कुछ तो प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से मैं आज आप लोग के कमेंट नहीं देख पाऊँगा। मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट रुके। यहाँ फेसबुक पे कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे मैं मुझे बार बार ये बंद करना पड़ रहा है। मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ, 8:15 बजे हम लोग फिर मिलेंगे, तब हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करेंगे।